हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लिप डिजाइन कैसे बनाएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, ये हमने डिजाइन के लिए कपड़ा लिया अलग से, देखिए हमने ये स्लिप कट कर लिए, देख सकते हैं लाइनिंग और स्लिप हम दोनों कट कर लिए। मैं आपको इसका साइज बताती हूँ। देखिए, इसकी जो लंबाई ली हमने 5.5 इंच ली है और इसकी ब्रेथ ली हमने 9 इंच ली है। दोनों कट कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ डिजाइन कैसे डालेंगे हम। देखिए, कैनवास मैंने डबल फोल्ड कर लिए। देखिए, इस तरह हम यहां से 2 इंच पे बॉक्स बना लेते हैं। इसकी लंबाई लेंगे 3 इंच लेंगे। देखिए इस तरह, अब देखिए इसमें हम ऊपर से दिल शेप देंगे इसमें। अब हम सेम डॉपी से कट करेंगे। देखिए, इस तरह कट कर लिए, देख सकते हैं इस तरह। देखिए, जो हमने डिजाइन के लिए कपड़ा लिया था येलो कलर का, इसे हम इस तरह उल्टा रखेंगे और जो हमने कैनवास कट किए इसे हम इस तरह रखेंगे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा से हम कट कर लेंगे। देखिए, स्लीव हमने सीधी रखी है नीचे, इसको हम लाइनिंग रखेंगे और इस तरह हम पूरे में सिलाई लगा देंगे नीचे। फिर हम इसे पलट देंगे। देखिए, नीचे मैंने स्लीव सीधी रख ली है, इसके ऊपर लाइनिंग रखूंगी और इस तरह हम नीचे पूरे में स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरह मैंने स्लीव सिलाई लगा दी है, हम पलट लेंगे और इसके ऊपर भी साइड लगाते। देखिए, इस तरह मैं नीचे फिनिशिंग दे दी है। देखिए, नीचे मैंने उल्टा रखा है कपड़ा और इसके ऊपर हम कैनवास रखेंगे इस तरह। देखिए, इस तरह मैं पिन से भी सेट कर लिया और पूरे में सिलाई लगाएंगे हम। इस तरह मैंने सिलाई लगा दी। अब हम पूरे किनारे से इसे कट करेंगे कपड़े को। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया है, देख सकते हैं। और देखिए, नीचे मैंने स्लीव रख ली सीधी और ये देखिए हमारी सेंटर पार्ट है। देखिए, इस तरह बीच में रखेंगे। देखिए, इस तरह आप पिन से सेट कर लेंगे पूरा। देखिए, इस तरह मैंने पिन से सेट कर लिए और ये मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है। इस तरह हम पूरे दिल शेप में लगाएंगे। देखिए, इस तरह मैंने दिल शेप में लेस लगा दी है। देखिए, मैंने फिर से गोल्डन कलर की लेस ली है और इस तरह हम वी शेप में इस तरह लगा देंगे लेस। देखिए, इस तरह मैंने लेस लगा दी है, देख सकते हैं हमारी पूरी स्लीव रेडी हो गई है। देखिए, मैंने नीचे फिनिशिंग दे दी है और देखिए मैंने लेस भी लगा दी है, दिल शेप में हमने लेस लगा दिए और देखिए मैंने 2 बटन लगाए, देख सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी स्लिप भी रेडी कर लिए, देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे स्लिप्स का। इस आसान तरीके से आप एक सुंदर स्लिप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लिप डिजाइन कैसे बनाए। देखिए, हमने गोल्डन कलर की कलरफुल में लेस ली है और ये हमने प्लेन गोल्डन की लेस, तो देखिए हम साइड में रखते हैं। मैं आपको स्लिप का साइज बताती हूँ। देखिए, स्लिप की जो हमने लंबाई ली है वो 6 इंच ली है और जो इसकी ब्रेथ ली हमने 9.5 इंच ली है। देखिए, हमने स्लिप और लाइनिंग दोनों कट कर लिए, जैसे नॉर्मल ऊपर से गोलाई देखे हम कट करते हैं इस तरह में कट कर लिए। देखिए,
सेकंड रखेंगे। देखिए हमारी दोनों स्लिप्स हैं, देख सकते हैं इस तरह से। देखिए जो हमारी ऊपर से बुलाए जाते हैं इस पर यहां से हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह, और देखिए यहां से 2 इंच पे, और जो मैंने 3 इंच पर 2 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से हल्की से ड्राई देंगे और दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरह, और देखिए सर में ड्रॉ कर लिया, इसे हम कट करेंगे। देखिए इस तरह में कट कर लिया है, देख सकते हैं इस तरह बुलाई आई है इसमें। अब सेम ड्रॉ करके हम स्लीव पे भी कट करेंगे। देखिए इस तरह में कट कर लिया है। देखिए सर में स्लीव सीधी रखनी है, इसको लाइनिंग रखेंगे इस तरह, और इस तरह हम इसमें सिलाई लगा देंगे जो में गुलाई की है, फिर पलट देंगे ऊपर। हमने देखिए नीचे मैंने स्लीव रख ली सीधी, इसको मैं लाइनिंग रखूंगी, और जो हमारा गुलाई है इसमें हम सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, इस तरह हम अंदर फोल्ड करेंगे इसे। देखिए इस तरह, और इसके बगल में सिलाई लगा। देखिए हमने ऊपर सिलाई लगा दी है, अब जो हमारे नीचे इसमें हम फिनिशिंग देंगे। देखिए इस तरह नीचे में इस तरह फिनिशिंग दे देंगे। देखिए नीचे मैंने फिनिशिंग दे दी, देख सकते हैं। अब देखिए हमने गोल्डन कलर की लेस ली है, तो देखिए जहां हमारी गुलाई आ रही है इस तरह हम पूरे गुलाई में लगाएंगे हम लेस। देखिए इस तरह मैंने लेस लगा दी, डबल स्लाइव लगा दी हमने। अब देखिए हम नीचे लेस लगाएंगे ये वाली। देखिए मैं नीचे लेस भी लगा दी है। देखिए इस तरह हम प्लेट डालेंगे इसमें इस तरह। देखिए इस तरह बीच में सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह में सिलाई लगाते हैं पे। देखिए हमने गोल्डन कलर की लेस ली है इस तरह। देखिए इस तरह यहाँ पे सिलाई लगा दी। देखिए इस तरह में लेस लगा दी, देख सकते हैं इस तरह पूरी स्लीव रेडी होगी। इसी तरह मैं दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों स्लीव तैयार कर ली, देख सकते हैं। देखिए मैंने नीचे लेस लगा दी है, ऊपर भी लेस लगा दी है। देखिए ऊपर भी लेस लगा दी है, देख सकते हैं। इसी तरह मैंने दूसरी स्लीव भी रेडी कर ली है। देखिए देख सकते हैं कितना सुंदर पर हमारी स्लीव का। इस आसान तरीके से आप सुंदर स्लीव बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन कैसे बनाए। देखिए हमने ये स्लीव कट कर ली है, और ये हमने लेस ली है गोल्डन कलर की। देखिए मैंने स्लीव और लाइनिंग दोनों कट कर ली है। देखिए मैं आपको इसका साइज बताती हूँ। देखिए इसकी जो हमने लंबाई ली है वो हमने 5 इंच ली है, और जो इसकी विड्थ है वो हमने 8.5 इंच ली है। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ डिजाइन कैसे डाले हम। देखिए इस तरह हम 1/2 इंच के निशान लगा लेते हैं। देखिए यहां से 1 इंच के निशान लगा लेते हैं, और इस तरह हम क्रॉस में लेके आएंगे इस तरह। देखिए फिर इस तरह हम 2 इंच तक क्रॉस में लेके आएंगे फिर से। देखिए इस तरह फिर 2 इंच में लेके आएंगे हम। देखिए यहां से हम इस तरह गुड़ाई देंगे इसमें। देखिए इस तरह हम इसे हम कट करेंगे। मैंने लाइनिंग और दोनों स्लीव एक संग कट करेंगे हम।
देखिए इस तरह हमने कट कर लिया है, इसे हम इस तरह से लेंगे। देखिए नीचे हम लाइनिंग रख लेंगे, उसके बाद हम इस तरह उल्टा रखेंगे स्लीव और इस तरह हम सिलाई लगा देंगे इसमें, फिर हम इस तरह इसे फोल्ड करके पलट देंगे अंदर की साइड। देखिए इस तरह हम स्लीव ज्वाइंट कर लेंगे अपनी। देखिए मैंने स्लीव रख ली सीधी और उसको मैं लाइनिंग रखूंगी इस तरह, पूरे हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह हम यहीं तक सिलाई लगाएंगे, इस तरह हम उसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड। देखिए इस तरह हमने पलट लिया है, इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह हमने ये लेस भी लिया गोल्डन कलर की और हम एक संग इसे सिलाई लगाएंगे इस तरह। देखिए इस तरह मैंने पूरे में लेस लगा दिए, इसी तरह मैं दूसरी भी तैयार कर लेती हूँ इसकी। देखिए इस तरह मैंने दोनों साइड के तैयार कर लिए, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बीच में मोती लगाएंगे दो दो इस तरह। इसी तरह मैं दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों स्लीव रेडी कर ली अपनी, इस तरह हमारी स्लीव दोनों रेडी हो गई, हम बीच में मोती लगाएंगे। देखिए हमने दोनों स्लीव रेडी कर लिए, अब हम इसे मोती लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये गोल्डन कलर की मोती ली है। देखिए इस तरह मैंने सुई में धागा डाल लिया है। इस तरह लगा दी, इस तरह नीचे भी लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने दोनों मोती लगा दिए, अब इस तरह मैं दूसरी स्लीव में भी लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों में मोती लगा दिए, देख सकते हैं। देख सकते हैं पूरी स्लीव रेडी हो गई है। इस आसान तरीके से आप एक सुंदर सी डिजाइन बना सकते हो अपने स्लीव के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी लेटेस्ट स्लीव डिजाइन कैसे बनाएं। देखिए हमने स्लीव और लाइनिंग दोनों कट कर लिया है और देखिए हमने गोल्डन कलर की लेस ली है। देखिए स्लीव जो हम डिजाइन कट करेंगे वो हम लाइनिंग पे कट करेंगे, स्लीव हम साइड रख लेते हैं। देखिए हमारा जो कपड़ा कम था तो हमने बीच में ज्वाइंट कर लिया है लाइनिंग में। देखिए स्लीव की जो लंबाई ली हमने 5 इंच ली है और इसकी ब्रेथ ली हमने वो 9 इंच ली है। देखिए इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 3.5 इंच लेंगे और जो इसकी चौड़ाई लेंगे वो हम 2.5 इंच लेंगे। देखिए इस तरह इसमें हम डिजाइन कट करेंगे। देखिए जो हमारा बंद वाला भाग है यहां से सेम कट करेंगे। देखिए इस तरह में कट कर लिए। देखिए नीचे हम स्लीव रखेंगे सीधी और फिर उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे इस तरह। पिंच सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने पिंच सेट कर लिया है, अब पूरे हम नीचे से इस तरह पूरे में सिलाई लगाएंगे, फिर हम बीच का कट करते हुए फिर साइड से हम पलट देंगे इस अंदर सिलाई लगाएंगे पूरे में। देखिए इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी, अब इसे पलटेंगे इस तरह और जो इसके किनारे आ रहे हैं उसे हम सुई की मदद से निकालेंगे।
देखिए इस तरह हमने निकाल दिए। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरी में लेस लगा दी। यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे रेडीमेड। देखिए हमारी पूरी स्लीव रेडी हो गई है। देखिए हमने पूरी में लेस लगा दी है और देखिए हमने यहाँ गोल्डन कलर के बटन लगाए रेडीमेड। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है स्लीव से। इसी तरह आप अपनी दूसरी स्लीव भी रेडी कर सकते हैं। इस आसान तरीके से आप सुंदर स्लीव बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लीव। रेड कलर कपड़ा लिया देख सकते हैं इस तरह। और देखिए हमने ब्लू कलर में स्लीव लिए। इसमें हमारा देखिए इस तरह फ्लावर बने हुए रेड कलर के गोल्डन कलर के देखिए इस तरह। और मैंने लाइनिंग और स्लीव दोनों कट कर लिए। मैं स्लीव का साइज बताती हूँ आपको। देखिए स्लीव की जो हमने ब्रिक लिए 9.5 इंच लिए और इसकी जो लंबाई ली हमने वो हमें 6 इंच लिए। तो देखिए जो हम डिजाइन कट करेंगे लाइनिंग पे कट करेंगे फिर स्लीव पे, तो स्लीव साइड में रख लेते हैं इस तरह। और नीचे से 1 इंच पे निशान लगाएंगे हम और इसमें हम इस तरह। इस तरह सेम से हम कट करेंगे। देखिए इस तरह अब सेम ड्राफ्ट के स्लीव पे भी कट करेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने स्लीव भी कट कर लिए। इस हम साइड में रखेंगे। अब हमें रेड कलर का कपड़ा लिया था इसकी हम पट्टियां कट करेंगे। देखिए इस तरह डबल फोल्ड कर लेते हैं। इस हम एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह। तो ये इसकी जो लंबाई है 2.5 इंच है, इसे हम बीच में से कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने कट कर ली बीच में से। इसे हम बीच में से ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह और फिर हम इसकी एक पट्टी तैयार करेंगे इस तरह की। फिर इस तरह हम पूरे प्लेट डालेंगे इसमें। इस तरह मैंने बीच में ज्वाइंट कर लिया। ये मैंने नीचे लाइनिंग रख लिया है, ऊपर स्लीव रख लिया। देखिए इस तरह सेट करते हुए इस तरह पूरा सेट कर लेंगे। और जो हमने पट्टी कट की है इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और प्लेट डालेंगे पूरे में। देखिए इस तरह पूरे में प्लेट डालती है, देख सकते हैं इस तरह। इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह। और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, लेस लगाएंगे हम। तो देखिए मैंने एक गोल्डन कलर की लेस ली है इस तरह। इसके ऊपर लेस लगाते हुए लेके जाएंगे हम। देखिए इस तरह मैंने लेस लगा दी, सिलाई भी लगा दी है। देखिए इस तरह हमारी प्लेट आई है नीचे, देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है स्लीव्स का। इस तरह आप पूरी स्लीव तैयार कर सकते हैं। प्लेट डालते हुए पट्टी लगा दी है रेड कलर की हमने और लेस भी लगा दी इसके ऊपर। देखिए और ये हमने 3 रेडीमेड हमने बटन लगाए रेड कलर के, देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है स्लीव्स का। इसी तरह आप अपनी दूसरी स्लीव भी तैयार कर लीजिए। इस आसान तरीके से आप सुंदर स्लीव बना सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन कैसे बनाए। देखिए मैं स्लीव और लाइनिंग दोनों कट कर लिए है। ये मैंने डिजाइन के लिए कपड़ा लिया, देखिए अलग से इस तरह, और ये मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है। देखिए स्लीव की जो लंबाई ली हमने 6 इंच ली है, और जो इसकी ब्रिथ ली हमने वो 9 इंच ली है। देखिए लाइनिंग और स्लीव हमने दोनों कट कर लिए। जो डिजाइन हम कट करेंगे लाइनिंग पे कट करेंगे फिर स्लीव पे। देखिए अब लाइनिंग पे हम डिजाइन कट करेंगे, उसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 4 इंच लेंगे, और जो उसकी चौड़ाई लेंगे वो हम 1.5 इंच लेंगे। और इसमें हम कुलाई देंगे। इस तरह अब सेम टॉप से हम कट करेंगे। इस तरह देखिए नीचे हम स्लीव सीधी रखेंगे, इसको इस तरह लाइनिंग रखेंगे। देखिए इस तरह हम पूरा पिंच सेट कर लेंगे इसे हम। देखिए इस तरह मैंने पिंच सेट कर लिया है, अब इसमें हम पूरे में सिलाई लगाएंगे इस तरह, फिर हम बीच का कट करेंगे, फिर हम इसे पलट देंगे अंदर। देखिए इसमें कपड़े लिया है डिजाइन के लिए, इसमें से हम ट्रायंगल कट करेंगे। देखिए इसकी चौड़ाई लेंगे वो 3 इंच लेंगे, और इसकी जो लंबाई है वो भी हम 3 इंच लेंगे। दोनों का साइज सेम होता है। इस तरह इसी तरह हम 3 पट्टियां कट करेंगे। देखिए इस तरह हम 3 पट्टियां कट कर ली हैं। देखिए इस तरह हम सिलाई रखी है, इसके ऊपर हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह हम पूरे में सिलाई लगाती है, बीच का हम कट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया है, अब हम इस तरह फोल्ड करेंगे इसमें। देखिए इस तरह अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, और देखिए इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। और देखिए इस तरह मैं ट्रायंगल बनाया है। दूसरा ट्रायंगल हम इस तरह ऊपर लगाएंगे, और देखिए तीसरा ट्रायंगल इसके सामने लगाएंगे इस तरह। देखिए मैं 3 ट्रायंगल लगा दी, अब बीच में हम 2 मोती लगाएंगे इसमें। देखिए मैं पूरी में लेस लगा दी है, देखिए मैं पूरी में ट्रायंगल लगा दी है, और यहाँ मैं 2 मोती लगाया है। देख सकते हैं कितना सुंदर बना है स्लीव का। इस आसान तरीके से आप इस सुंदर स्लीव बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन कैसे बनाए। लाइनिंग और स्लीव मैंने दोनों कट कर लिए, और डिजाइन के लिए मैंने अलग से कपड़ा लिया येलो कलर में, और ये मैं लेस ली है देखिए गोल्डन कलर की। तो मैं आपको स्लीव का साइज बताती हूँ। देखिए स्लीव की जो लंबाई ली हमने वो 5.5 इंच ली है, और जो इसकी ब्रिथ ली वो हमने 9 इंच ली है। तो देखिए जैसे नॉर्मल हम कट करते हैं इस तरह हमने कट कर लिए, और देखिए इसमें हम डिजाइन कट करेंगे। देखिए लाइनिंग और स्लीव हम दोनों सेट कर लेते अच्छे से इस तरह, और नीचे से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहां से हम इस तरह गुलाई देंगे इसमें हल्की से, और दोनों हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया है। देखिए नीचे हम लाइनिंग रखेंगे, इसके ऊपर स्लीव रखेंगे इस तरह, और हम सिलाई लगा देंगे इस तरह, और फिर पलट देंगे अंदर हम।
देखिए जो हमने येलो कलर का कपड़ा लिया है इसके हम ट्रायंगल कट करेंगे। देखिए इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो हम 2 इंच लेंगे, इसकी लंबाई भी हम 2 इंच लेंगे। देखिए इस तरह हमने पट्टियां कट कर ली है, 4 पट्टी और 4 पट्टी हमने रेड की कट करी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में 2.5 इंच ली है। देखिए नीचे मैंने लाइनिंग रखा है, इसके ऊपर स्लीव रखी है और सिलाई लगा देंगे हम। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, बीच में एक कट दे देंगे और फिर इस तरह पलट देंगे। फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए मैं सिलाई लगा दी नीचे। देखिए हमने पट्टी कट की थी, इसके ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह और जो हमें बीच में जा रहा है इस तरह यहाँ पे अटैच करेंगे और येलो वाले भी इस तरह रखेंगे इसके ऊपर छोटा वाला और सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह मैंने दूसरा ट्रायंगल भी रख लिया और सिलाई लगा देंगे इसके। देखिए इस तरह मैं यहाँ पे लगा दी, इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। देखिए हमने ट्रायंगल लगा लिया, अब इसमें लेस लगाएंगे हम। देखिए इस तरह नीचे से लेस लगाएंगे पूरे में। देखिए इस तरह हम ऊपर लेके जाएंगे। अब हम इस तरह दूसरी साइड भी लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह में दोनों साइड लेस लगा दिए। अब इसमें हम 1/2 इंच का गैप छोड़ के लेस लगाएंगे। ये जो ट्रायंगल है उसे हम हटा देंगे इस तरह। देखिए इस तरह इसी तरह मैं दूसरी साइड भी लेस लगा लेती हूँ। देखिए हमने दोनों तरफ लेस लगा दी, तो देख सकते हो हमारी पूरी स्लीव रेडी हो गई है। देखिए हमने लेस लगा दी है दोनों साइड और ट्रायंगल भी लगा दिए, तो देख सकते हैं कितना सुंदर काम है स्लीव का। इसी तरह आप अपनी दूसरी स्लीव भी रेडी कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज